ओम शांति। आबू पर्वत की ये पावन भूमि प्राचीन काल से ही तपस्या स्थली रही है। वर्तमान समय आबू पर्वत संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है और सारे विश्व में आध्यात्मिकता की इस खुशबू को फैलाने का कार्य करता आ रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आबू पर्वत तथा आबू रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य आश्रम परिसर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी वन तथा आनंद सरोवर के द्वारा प्रतिवर्ष देश विदेश के लाखों लोग ईश्वरीय ज्ञान और योग का लाभ ले रहे हैं। इसी श्रृंखला में ईश्वरीय सेवाओं को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था द्वारा शांतिवन परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित किया गया है एक नवीन परिसर मानसरोवर। बनास नदी के तट पर 7 एकड़ भूमि पर बना यह परिसर नेशनल हाईवे 27 के बहुत निकट है। आधुनिक तकनीक से निर्मित यह परिसर वास्तुकला की दृष्टि से भी उत्तम है। मानसरोवर में कुल 2,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इस परिसर में मुख्य 2 आवासीय इमारतें हैं जिनका नाम है गुलशन तथा प्रभुप्रिय। इन इमारतों में विशेष कुछ कमरे दिव्यांग भाई बहनों के सुविधा अनुसार बनाए गए हैं। यहां 500 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी है जहां पर नियमित रूप से संगोष्ठियां तथा राजयोग शिविर आदि आयोजित किए जाते हैं। अकाउस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस ऑडिटोरियम में हाईटेक लाइटिंग, आधुनिक साउंड सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, वीडियो प्रेजेंटेशन सहित अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा है। इसी के साथ यहां किचन तथा भोजन कक्ष की भी सुविधा है। इस परिसर में आने वाले आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग हेतु भी उचित व्यवस्था है। परिसर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहां कई बगीचे तथा छोटे कुंड भी बनाए गए हैं। शांति की अनुभूति करने हेतु यहां विशेष ध्यान कक्ष का भी निर्माण किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह परिसर ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार बनाया है जहां वाटर रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, बायोगैस प्लांट, सोलार पावर, एयर वाटर हीटर, मिनरल वाटर आदि का उपयोग हुआ है। इन सब के अतिरिक्त यहां एक यूटिलिटी बिल्डिंग भी है जहां जनरेटर, बिजली नियंत्रण केंद्र तथा स्टोर आदि का प्रबंध है। पूरे परिसर में फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई है तथा मेन गेट पर विशेष सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इस परिसर में एक गौशाला भी है जहां सैकड़ों गायों की पालना की जाती है। जिस प्रकार शास्त्रों में कहावत है कि मानसरोवर के पवित्र जल में स्नान कर मनुष्य आत्मा पावन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस पावन भूमि पर भी आने वाले भाई बहने स्वयं को पवित्र फरिश्ता अनुभव करते हैं तथा ज्ञान स्नान कर स्वयं को परिपूर्ण महसूस करते हैं। ओम शांति।